कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने के बाद अब त्योहारों को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और खुशी का माहौल पाया जा रहा है। इसी के चलते मुनाफाखोरी करने वाले भी सक्रिय होते दिख रहे हैं और ऐसा ही कुछ पठानकोट में भी देखने को मिला, जहां पुलिस ने ढाकी रोड स्थित स्वास्थ्य इनक्लेव कॉलोनी में छापेमारी कर एक गोदाम से भारी मात्रा में अवैध पटाखों की खेप बरामद की और पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी डिवीजन नंबर 2 दविंदर प्रकाश ने बताया कि एसएसपी पठानकोट गुलनीत सिंह खुराना के दिशा निर्देशानुसार हमारी ओर से आने वाले दिवाली पर्व को लेकर सुरक्षा प्रबंध को देखते हुए सख्ती की गई है, जिसके चलते आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि ढाकी रोड पर रमन कुमार व्यक्ति ने अपने गोदाम में गैरकानूनी तरीके से पटाखे रखे हुए हैं। जब इस संबंध में दुकान मालिक रमन कुमार से पूछा गया तो उसके पास ना तो कोई लाइसेंस और ना ही परमिशन थी और वैसे भी रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का रखना खतरा है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच कर इस पर बनती कार्रवाई की जाएगी और बाकी लोगों से भी वे अपील करते हैं कि ऐसा गलत काम ना करें जिससे पुलिस को कड़ा रुख अपनाना पड़े और आने वाले दिवाली पर्व पर जिला प्रशासन द्वारा जो भी हिदायतें दी जाती हैं उनका पालन करें। मानयोग SSP पठानकोट चीफ गुलनीत खुराना जी IPS ते साडे DSP सिटी साहब दी जिहड़ी अगवाई हेठ जिहड़ा इह ऑपरेशन इक चल रहा कि जिहड़ा हुण आउण दे टाइम ते दिवाली आ रहा फेस्टिवल सीजन आ रहा इहदे विच इलीगल स्टॉक करदे ने पटाकियां दा उहदी घड़ी विच अज सानूं जो इनफॉर्मेशन मिली सीगी कि रमन कुमार जिहड़ा इत्थों दा रहण वाला इस तों पहलां वी परचा हैगा ते उहदी असीं दुकान चैक कीती। उस तों बाद इक गोदाम दा पता लगा, गोदाम चैक कीता ते सानूं काफ़ी भारी मात्रा जिहड़ा स्फोटक पदार्थ जिहड़े पटाके ने इलीगल, इहदे कोल कोई बिल नहीं हैगा, कोई इहदे कोल लाइसेंस नहीं हैगा ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰ ਗੋਦਾਮ? ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਸਥਿਕ ਇਨਕਲੇਵ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਜਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਵਾਸਥਿਕ ਇਨਕਲੇਵ ਢਾਕੀ ਰੋਡ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਸਰ ਕੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਮਤਲਬ ਐਗਜੈਕਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 407 ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।